सो गाइस, सोडियम मेटल मेरी और आपकी फेवरेट चीज। लेकिन गाइस, दुनिया में ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोडियम मेटल की तरह ही पानी के साथ में रिएक्ट करती है और धमाका होता है, जैसे कि सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम मेटल और भी कई सारी चीजें। और गाइस, उनमें से एक चीज आज हमारे पास है, पोटेशियम मेटल। तो गाइस, आज हम इस चीज को पानी के अंदर डाल के देखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। और गाइस, मैंने कहीं पढ़ा यार कि जो पोटेशियम मेटल होता है वो भी सोडियम की तरह ही धमाका करता है, लेकिन इसका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है सोडियम की तुलना में। ऑलराइट गाइस, तो चलो इस चीज को पानी में डाल के देखते हैं। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। सो गाइस यार, मैं भी पोटेशियम मेटल को पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि यार कि ये किस तरीके का दिखाई देता है। हाँ, इतना जरूर पता है कि ये भी कुछ कुछ सोडियम मेटल की तरह ही होता है और इसे भी गाइस पैराफिन यानी कि या फिर तो पैराफिन में या फिर केरोसिन के अंदर रखा जाता है, मिनरल ऑयल्स के अंदर। ऑलराइट, सो गाइस, आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम मेटल है वो भी बिल्कुल सोडियम मेटल की तरह ही दिखाई देता है। कमाल की बात है यार, देखो। और जबकि ये जो चीज़ है सोडियम मेटल से कहीं गुना ज़्यादा महंगी है। गाइस, जितना सोडियम मेटल हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं उतना ही पोटेशियम मेटल हमें पूरे 3000 रुपये का मिलता है। देखो तो यार, हमने सारा पोटेशियम मेटल इसके अंदर से बाहर निकाल लिया है। देखो, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो चलो इस सारे पोटेशियम मेटल को एक साथ पानी के अंदर फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। राइट, राइट गाइस, तो यार अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है यार। मैंने सोचा था कि काफी जल्दी रिएक्शन होगी। ओ बस इतना ही। इसकी आवाज यकीनन सोडियम मेटल से तेज है और अभी भी कुछ सोडियम मेटल के टुकड़े पानी के अंदर हैं और ये एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं। पोटेशियम मेटल यार, क्योंकि हम ज्यादातर वीडियोस पोटेशियम मेटल की बजाय सोडियम मेटल पे बनाते हैं, इसलिए बार बार मेरे मुंह से सोडियम मेटल ही निकल रहा है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि जो सारा पोटेशियम मेटल है वो ब्लास्ट हो चुका है। तो गाइस यार, मैंने सोचा था कि थोड़ा सा तो इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस होगा, भले ही इनका जो आणविक संरचना होती है यानी कि जो परमाणु स्तर पर इनकी संरचना होती है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन जब अपन पानी में डालते हैं तो सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता है। ओके गाइस, तो यार आज के लिए बस इतना ही। काफी लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया था कि भाई पोटेशियम मेटल पे भी एक वीडियो बनाइए, तो ये रही पोटेशियम मेटल पे एक वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज यार लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।